नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। हम लोग सिक्स नाइन बीपीएससी का जो अभी आने नोटिफिकेशन आने वाला है उसकी रणनीति के बारे में आज के वीडियो में समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा। अभी जो आप लोग 68 प्री का क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी करीब करीब 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो हैं एग्जामिनेशन में अपेयर हो पाए हैं, तो इन अभ्यर्थियों ने जो क्वेश्चन का रिव्यू दिया मुझे, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, उनका जो खुद का मानना है कि आयोग में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। और क्वेश्चन अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले भी पूछे जाते थे लेकिन उनको पूछने का तरीका अलग है। तो परिवर्तन किस लेवल पर है? पहले तो एक क्वेश्चन पूछने के लेवल जो तरीके हैं उसमें परिवर्तन देखा जा रहा है। दूसरा आप परिवर्तन आप देखेंगे तो जो चार ऑप्शंस पहले जो चार ऑप्शन थे और पांचवा ई ऑप्शन था, तो उस ऑप्शंस में भी आप परिवर्तन देख पा रहे हैं। मतलब कि फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन जो डी और ई ऑप्शन है, जो कि अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल टाइप का दिखता है, या फिर बहुत सारे अभ्यर्थियों को मानना है कि डी और ई ऑप्शन दोनों ही आंसर में आ सकते हैं, या फिर अगर हम ई ऑप्शन चलते हैं तो थोड़ा सा आंसर जो है लोगों का सही नहीं जा रहा। कुल मिलाकर अगर देखें तो क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी चेंजेस आया और जो ऑप्शंस दिए गए थे वो तो बिल्कुल ही अलग देखने को मिल रहे थे। अब आगे 69 का जो रणनीति है वो कैसा हो सकता है, क्या आप जो पहले की रणनीति पर चल रहे थे क्या उसी रणनीति पर चलेंगे तो अभी तैयारी आपकी सही जाएगी, या फिर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है? तो देखिए, जब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंजेस है, ऑप्शंस में चेंजेस है, तो आपका जो पढ़ाई का लेवल है थोड़ा सा चेंजेस करने की आवश्यकता है, अधिक समय देने की आवश्यकता होगी ही। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो देखेंगे कि जो एक कंटिन्यूस पैटर्न चल रहा था उससे हटकर, कन्वेंशनल से हट करके, चूँकि आप देख पा रहे हैं तो आपको कन्वेंशनल से हटके तैयारी भी करनी होगी। मेरे कहने का यह मतलब है कि अभी तक जो स्टूडेंट्स जीएस को वन लाइनर फैक्ट के रूप में लेके चल रहे थे, अभी भी लगभग पैटर्न तो वही है, लेकिन अब थोड़ी सी समझ की आवश्यकता होगी। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर बुक्स लेकर के पढ़ाई अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने में संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको समय भी देना है और अब कंटेंट को थोड़ा सा हट करके पढ़ना होगा। मतलब आप जो पहले पढ़ रहे थे उससे अलग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अलग? तो कुछ थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की आवश्यकता होगी। अब हम कहेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पढ़ना है, या फिर आपको पूरा 6 से 12 पर आपको ध्यान देना होगा और करेंट अफेयर्स के लिए काफ़ी भारी भरकम बुक्स पढ़नी होंगी, तो वो अब उतनी आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक लिमिटेड वे में आज डिस्कशन करेंगे क्या क्या पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन आप देखे थे तो अभी भी सेक्शंस वही हैं, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बीआरजीके। इसके अलावा जो वैसे सेक्शन जो कि जिनसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो भी अभी एज इट इज़ पूछे गए। मतलब कि अगर क्वेश्चन का मात्रा और दायरा हम देखेंगे तो वो वही है, ठीक है। तो क्या पूछा गया था? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। तो कॉन्सेप्चुअल की तैयारी कैसे होगी? तो एनसीईआरटी बेस्ड होकर के। ये आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अब आपको वैसे बुक्स जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सक्षम है उन पर थोड़ा सा आप जो अधिक समय देने की कोशिश करेंगे। तो क्या 6 से लेकर 12 पढ़ना है? तो बिल्कुल नहीं, 6 से लेकर 12 नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, कम से कम 8 बियॉन्ड ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। 8 to 10 तो पढ़ना ही होगा, लेकिन वैसे सब्जेक्ट जिस पे आपका 11, 12 में भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप देखेंगे तो 67 और 68 दोनों में ही 11, 12 साइंस के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आपको साइंस के पोर्शन को 11, 12, खासकर अगर देखेंगे तो ज्योग्राफी वाले पोर्शन को, सॉरी बायोलॉजी वाले पोर्शन को भी कवर करेंगे। और एक और देखने को मिला है कि इकोनॉमिक्स में भी 11, 12 कवर किया गया है। साथ ही साथ आप जो ज्योग्राफी का आपका जो फिजिकल और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो भी आपको 11, 12 से देखने को मिले। तो कहने का मतलब हो गया कुछ एक सब्जेक्ट है जहाँ से 11, 12 कवर करना ही पड़ेगा आपको। तो हम लोग बुक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे कौन कौन से बुक्स को आपको कैरी करना है। ध्यान रखेंगे
कि 6 से लेकर 12 नहीं, आपको 8 से लेकर आप 12 कैरी करना पड़ेगा। साथ ही साथ फैक्चुअल बुक्स भी लेके चलेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन होने के बाद ही आप उन क्वेश्चन पर कमांड कर पाएंगे जो आयोग कॉन्सेप्चुअल वे में पूछने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्वेश्चन तो वो वही पूछेंगे, लेकिन आप उसको आपको थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट की जांच करेंगे कि क्या क्वेश्चन को घुमाने से अभ्यर्थी उस आंसर को देने में सक्षम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया जीएस का बात। अब करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए भी आपको बहुत ज़रूरी नहीं कि आप प्रतियोगिता दर्पण बहुत एकदम लाइन बाई लाइन पढ़ जाएँ, रट जाएँ। हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चंस वैसे जो कि करंट अफेयर्स में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहे हैं तो उन पर थोड़ा फोकस होने की आवश्यकता है। वैसे न्यूज़ काफ़ी जो पॉपुलर थे अभी भी वही पूछे गए हैं 67, 69, 8 में, 69 में भी वही पैटर्न रहेगा। तो अभी से आप लोग हर महीने में वैसे जो क्वेश्चन जो कि न्यूज़ में रहे हैं तो उन पर आप लोग उनका आप एक लिस्ट बनाना चालू कर दें अभी से। और जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे तो वो, या फिर आप स्पीडी से पढ़ रहे या फिर किसी भी पतली बुक से तैयारी कर रहे हो, उन न्यूज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेंगे। 6-7 महीने का ही करंट अफेयर्स पूछ रहा है अभी फ़िलहाल आयोग, एक दो क्वेश्चन जो है काफ़ी पीछे पीछे से आ सकते हैं तो उसका एक दायरा नहीं है। तो करंट अफेयर्स लिमिटेड बुक से पढ़ें, लेकिन जीएस को आपको थोड़ा एनसीईआरटी बेस होना पड़ेगा। और आपका जो एग्जामिनेशन है सितंबर में संभावित है, तो करीब करीब आपके पास 6-7 महीने होंगे। इन 6-7 महीने में अच्छी तैयारी की जा सकती है, बशर्ते कि आप शुरू से ही फोकस्ड होके चलेंगे। यानी कि एनसीईआरटी भी लेके चलना है, वन लाइनर बुक्स भी लेके चलना है, करंट अफेयर्स के लिए वैसे बुक्स जो कि आपको काफ़ी हैवी बुक्स है उसको आप लेंगे, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। जो न्यूज़ में रहे हैं उन्हीं फैक्ट्स को उठाकर चलेंगे, तब जाके एक बेहतर तैयारी होगी। तो आज की वीडियो हम लोग इतने ही देखेंगे, नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग और भी जो बुक्स का लिस्ट है वो अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक और चीज़, हमारे द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए जाने हैं वो भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो 69 UPSC प्री और 68 मेंस का क्लास जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। वैसे अभ्यर्थी जो क्लास के लिए ऑनलाइन इनरोल होना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फॉर्म दिया हुआ है, आप चाहे तो फॉर्म फिलअप करके भी आप मेरे द्वारा संपर्क में आ सकते हैं। तो ये जो आपको जो क्लासेस होंगे आपको गूगल मीट के थ्रू होंगे, मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं होंगे, इसे ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन में आप हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, कमेंट करना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग गूगल मीट से क्लासेस लेंगे, सो दैट कि आप उधर से मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको इधर से रिप्लाई कर पाऊँगी, आप मुझे देख पाएंगे, मुझे भी देख, मैं अभी आपको देख करके आपको जो है डायरेक्ट गाइड कर पाऊँगी। और जो एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर रहता है उसमें डायरेक्ट गाइडेंस नहीं हो पाता है और बच्चे से हम लोग इंटरेक्शन भी नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने गूगल मीट ही आपको जो पहले हमारे जो क्लासेस होते हैं उसी तरीके से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।